शिवाय। चैत्र मास कृष्ण पक्ष नौमी तिथि 9 बजे तक रहेगी, उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। रविवार पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, जिसके नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव हैं, धनु राशि में चंद्रमा बने रहेंगे, जिनके राशि स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज के जन्मे जातक ईमानदार, संवेदनशील, आशावादी, दूसरों से प्रेम करने वाले, कला प्रेमी और उपकार करने की भावना वाले होते हैं। ये ऐश्वर्यशाली और लोकप्रिय भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, शुक्र और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। ऐसे जातक पिता के लिए भाग्यशाली सिद्ध होते हैं। शनि, मंगल और चंद्रमा की युति आज भी पूरे दिन बनी रहेगी। मेष राशि के जातकों के लिए शनि, चंद्रमा, मंगल का योग आपके भाग्य भाव में बन रहा है। मन में उदासीनता का भाव, काम करने के प्रति उत्साह में कमी और काम में रुकावट का दौर आज दिन भर बना रहेगा। सुख भाव में राहु होने की वजह से पारिवारिक सुख शांति में कमी महसूस होगी। विवेचनात्मक कार्यों में पत्नी की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। अधिकारियों व शासन सत्ता का सहयोग बना रहेगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता और रोजगार संबंधी उतार चढ़ाव संभावित है। घर के उपयोग में आने वाली वस्तुओं में वृद्धि होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं। अपने नैऋत्य कोण को साफ सुथरा रखें। वृष राशि वाले जातकों को अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। आप साहस और धैर्य के साथ उसका निपटारा भी समय रहते कर लेंगे। हर काम को करने में प्रयास अधिक करना पड़ेगा। आपकी योजनाओं में विवाद की स्थिति संभावित है। निजी मामलों में भी तनाव पैदा हो सकता है। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आपकी सोच गलत साबित हो सकती है। पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। निजी संबंधों की अनदेखी ना करें। छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। मिथुन राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र की व्यस्तता बनी रहेगी। नई नई कार्य योजनाओं की रूपरेखा बनती रहेगी, मगर यदि सक्रियता बरकरार रहे तो कुछ योजनाओं को कार्य रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। साझेदारी के कामों में भी लाभ की संभावना बनती है। निजी व रिश्तेदारों के बीच तनावपूर्ण स्थिति संभावित है। अनावश्यक व छोटी सोच वाले व्यक्तियों से दूर रहें और अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए काम करते रहें। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को खुशी महसूस होगी। हर काम आसानी से संपन्न होगा। कुछ नए कामों को सीखने का मौका मिलेगा। वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। कर्क राशि के जातकों को आपसी रिश्तों में तनाव और विवाद की संभावना बनती है। कार्य क्षेत्र में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। आपका आत्मविश्वास नुकसानदायक स्थिति में ले जा सकता है। मन में उठ रहे नकारात्मक विचारों से दूर रहें। दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। वाद विवाद को टालना उचित होगा। संतान के प्रति चिंता का माहौल बना रहेगा और पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। सिंह राशि वाले जातक अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। पेट संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर दोनों प्रभावित रहेगा। आपके काम पहले जैसे ही चलते रहेंगे। आर्थिक मामलों में नए निवेश का योग बना हुआ है। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। न्यायालय या वाद विवाद संबंधित मामलों में अनुकूलता मिलेगी। वैवाहिक प्रयास सार्थक होंगे और पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कन्या राशि वाले जातकों के लिए कई नए अवसर सामने आएंगे। महत्वपूर्ण व्यावसायिक योजनाओं का निमंत्रण और साझेदारी के प्रस्ताव सामने आएंगे। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में निवेश का योग बना हुआ है, जो कि लाभदायक होगा। मित्रों और संबंधियों का सहयोग आपके लिए लाभदायक रहेगा। वैवाहिक योजनाएं फलीभूत होंगी और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना होगा। सांसों से और पेट से संबंधित समस्याएं संभावित हैं।
तुला राशि वाले जातकों को सहयोगी और प्रतिकूल माहौल दोनों का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान अपनी योजनाओं में लिए गए निर्णय गलत साबित हो सकते हैं, मगर दूसरों को दी गई सलाह लाभदायी होगी। किसी काम में संभावित देरी से हतोत्साहित ना हो, धैर्य पूर्वक अपने प्रयास जारी रखें। दिखावा करने वाले लोगों से बचें। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल है। रुकी हुई या विवादित मामलों की सुनवाई शीघ्र होगी। उचित समय का इंतजार करें। वृश्चिक राशि वाले जातकों को चाहिए कि अपनी कार्य योजनाओं के निर्णय लेने में अत्यधिक विश्लेषण ना करें। हर निर्णय के दो पहलू होते हैं। नकारात्मक विषय को पहले ही दिमाग में लाने से उसके प्रति नकारात्मक सोच संभावित है, क्योंकि राहु आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए नकारात्मक सोच के प्रति प्रेरणा पहले मिलेगी। निजी संबंधों की और पारिवारिक सलाह की प्रेरणा लेते हुए कार्यों को अंजाम दें, लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आलस से भरा दिन होगा। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। आजकल धनु राशि वाले जातकों को अत्यधिक ऊर्जा महसूस होगी। आपका ऊर्जा स्तर सबसे अधिक बढ़ा हुआ होगा। इस ऊर्जा को सकारात्मक रूप में अपनी कार्य योजनाओं में निवेशित करते जाएं। भविष्य के लिए लाभदायक स्थिति कायम हो जाएगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है। वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी। जमीन जायदाद व वाहन का योग बना हुआ है और वाहन सावधानी से चलाएं। मकर राशि वाले जातकों को निजी मामलों में जटिलताएं संभावित हैं। अपव्यय की स्थिति बनी हुई है। यह व्यय स्वयं और परिवारजनों के स्वास्थ्य पर भी संभावित है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी योजनाओं को कुशलता से नियंत्रित करते रहेंगे। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में परिश्रम आवश्यक होगा। पारिवारिक तालमेल और निजी संबंधों को ध्यान में रखना होगा। दूर की कुछ योजनाओं में अप्रत्याशित रुकावट की संभावना बनती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ का मार्ग खुला हुआ है। पहले की रुकी हुई योजनाओं को लागू करने का समय हो चुका है। विवादित योजना में समझौता करना लाभदायक रहेगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। धार्मिक भावना बलवती रहेगी। मामा पक्ष से तनाव संभावित है। सामाजिक व्यस्तता बढ़ी रहेगी और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। मीन राशि वाले जातकों को अपनी योजनाओं के निर्णय लेने में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आपके कार्यों में अप्रत्याशित रुकावट संभव है। उत्साह और आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी। उबरने के वैकल्पिक रास्ते ढूंढने से अच्छा है कि धैर्यपूर्वक अपनी रुकी हुई योजनाओं को चालू करें। संघर्ष और मेहनत करनी पड़ेगी। संतान के प्रति चिंता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। निजी संबंधों में ध्यान रखना होगा और पारिवारिक माहौल में सामंजस्य बिठाकर चलना होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।